नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। इस वीडियो में बीए लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए सेमेस्टर फर्स्ट के सिलेबस और स्कीम के बारे में जानकारी दी गई है। सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड में किस प्रकार उनका पेपर का पैटर्न होगा, और जैसा कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर ने इसी वर्ष से यानी सत्र 2023-24 से सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है, तो उसके सेमेस्टर का पेपर कैसा होगा, क्या नई गाइडलाइन है यूनिवर्सिटी की। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने इस वर्ष 23-24 से यह केवल रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए ही लागू किया है, प्राइवेट के लिए अभी लागू इस वर्ष से नहीं हुआ है। जो स्नातकोत्तर कक्षाएं हैं उसमें जो आर्ट्स, सोशल साइंस और कॉमर्स एमकॉम एंड एमए है, उसमें अगले सत्र से सेमेस्टर लागू किया जाएगा। और जिन विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा और वो प्राइवेट विद्यार्थी होंगे, ऐसे में पुराना जो ऑर्डर है यानी इस वर्ष के लिए उनको छूट दे दी गई है, वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं अगर वो नॉन कॉलेजिएट हैं तो। सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड में डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम रहेगी, पेपर का कोड क्या रहेगा, पेपर का नाम क्या रहेगा। तो ये लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए है जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के अधीन आने वाले किसी भी कॉलेज में रेगुलर स्टूडेंट के रूप में अध्ययनरत है। लोक प्रशासन विषय में सेमेस्टर फर्स्ट में दो पेपर होंगे और सेमेस्टर सेकंड में दो पेपर होंगे। सेमेस्टर फर्स्ट में उनके पहले पेपर का नाम है लोक प्रशासन के तत्व एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरे पेपर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के सिद्धांत। इसके लिए कोर्स कोड या पेपर कोड दिया गया है, उसमें BPA 4.5 DCC T12 एंड BPA 4.5 DCC T13 ये लेवल है 4.5। तो सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड में लेवल रहेगा 4.5, फिर सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ में लेवल हो जाएगा 5, और सेमेस्टर फिफ्थ और सेमेस्टर सिक्स्थ में लेवल हो जाएगा यहाँ पर 5.5। तो सेमेस्टर वन में देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये टोटल 3 क्रेडिट का होगा, और दूसरा पेपर है वो भी 3 क्रेडिट का होगा। टोटल क्रेडिट होंगे इसके 6 क्रेडिट के हिसाब से टोटल मार्क्स होंगे 150। तो जो पहला पेपर होगा वो 60 मार्क्स का, दूसरा पेपर 60 मार्क्स का, और एक इंटरनल मार्क्स जो कॉलेज की तरफ से या टीचर्स की तरफ से दिए जाएंगे वो हैं 30। 60 + 60 = 120 एंड 30, 150 का आपका एक सेमेस्टर में दोनों पेपर होंगे। एक सब्जेक्ट में एक सेमेस्टर में दो पेपर होंगे वो 150 मार्क्स के होंगे। जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उनमें दो पेपर होंगे, और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनमें 3 पेपर भी हो सकते हैं, लेकिन टोटल मार्क्स 150 रहेंगे। यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग किसी भी सब्जेक्ट में 2-3 कितने पेपर हैं वो आप यूनिवर्सिटी के अनुसार ही तय कर सकते हैं। प्रत्येक विषय का आपको सिलेबस और उसकी स्कीम देखनी पड़ेगी। सेमेस्टर सेकंड के लिए जो भी आपका सिलेबस है वो तब पढ़ना पड़ेगा जब आपके सेमेस्टर फर्स्ट की परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी और उनका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप सेमेस्टर सेकंड की किताबें पढ़ेंगे। सेमेस्टर फर्स्ट में नवीनतम जानकारी के अनुसार OMR पैटर्न को लागू किए जाने का प्रावधान किया गया है। यूनिवर्सिटी की विस्तृत गाइडलाइन तो अभी नहीं आई है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने ये निश्चित कर लिया है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा वो OMR पैटर्न से परीक्षा ली जाएगी। उसमें MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कहते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने भी रखे जा सकते हैं यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर दो पेपर होंगे तो 60-60, 120 टोटल क्वेश्चन रखे जा सकते हैं, और 30 नंबर का यूनिवर्सिटी कॉलेज से या टीचर से इंटरनल असेसमेंट होगा। यह पूरी तरीके से विश्वविद्यालय पर निर्भर करता है कि वो 60-60 के दो पेपर कराए या 120 का एक ही OMR पैटर्न से पेपर कराए, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन इसमें स्पष्ट नहीं है। उम्मीद करते हैं थोड़े दिनों में इसकी गाइडलाइन स्पष्ट रूप से आ जाएगी, तो स्टूडेंट्स अपने आप को अपडेट रखें। उसकी मार्किंग कैसी होगी ये सब यूनिवर्सिटी के ऑर्डर पर निर्भर करता है।
जब भी ऑर्डर आएगा आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में लोक प्रशासन में यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दो पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर होगा एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सेकंड पेपर होगा प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ओएमआर पैटर्न किस प्रकार काम करेगा। ओएमआर सीट होती है, ये देख रहे हो आप राइट साइड में। इसमें आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है, जो भी आपका रोल नंबर एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर रोल नंबर लिखिए और ये आपकी टेस्ट आईडी, इस हिसाब से आपका नेम, जो भी नाम हो, बैच, इस हिसाब से आपकी ओएमआर सीट होगी। ये रोल नंबर, सिग्नेचर, ये सब हो जाएंगे। उसके अलावा जो आपको एक पेपर होगा वो पेपर दिया जाएगा और पेपर में जो क्वेश्चन होगा, जैसे ये एक नंबर का प्रश्न है और इसमें आपको लगता है कि मान लो तीन नंबर ऑप्शन सही है, पहले प्रश्न में अगर तीन नंबर ऑप्शन सही है तो आप तीन नंबर का जो सी है उसको आप गोला बना देंगे। दूसरा है गलत युग्म का चयन कीजिए। तीसरा है ऐसे आपने अगर चार नंबर सेलेक्ट किया है तो आप दो नंबर पर, तीन नंबर पर, ऐसे चार। अगर आपने चार नंबर अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप इसको भी खाली छोड़ देंगे। अगर आप पाँच नंबर प्रश्न अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप मान लीजिए चार नंबर उत्तर बता रहे हैं तो यहाँ पर चार नंबर गोले को कर दीजिए। ये आपका इस प्रकार से आपको ओएमआर पैटर्न में सीट भरनी है। ये ओएमआर का एक मॉडल है, वास्तविक ओएमआर इससे बहुत अलग हो सकती है, ये सब यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एक मॉडल आंसर सीट, ओएमआर सीट, एक वेबसाइट पर डाल रखी थी। उसके अकॉर्डिंग आपका रोल नंबर, डेट, सेंटर, सब्जेक्ट, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, स्कूल कोड, फिर आपका कोड नंबर हो जाएगा, फिर आपका रोंग मेथड्स, करेक्ट मेथड, ये आपके मार्किंग के लिए है और ये आपके सीरियल नंबर है। 60 क्वेश्चंस की ये ओएमआर सीट है वो दिखाई गई है। इसमें आपके कैपिटल लेटर्स में नाम, सिग्नेचर और कुछ लिखना है, जो राइटिंग करनी है वो है, यहाँ पर सिग्नेचर है। तो ये CBSE की एक ओएमआर का एक पैटर्न है, एक मॉडल ओएमआर है वो दे रखी है। अब हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सेमेस्टर फर्स्ट में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का, सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर फर्स्ट का नाम है एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के तत्व। इसमें जो पहली इकाई है उसमें लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व है, तथा लोक प्रशासन की क्या भूमिका है विकसित देशों में और विकासशील देशों में, ये यूनिट फर्स्ट में इंक्लूड किया गया है। यूनिट सेकंड में लोक और निजी प्रशासन में क्या अंतर होता है, क्या समानता होती है उसके बारे में, तथा एक स्वतंत्र अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास किस प्रकार हुआ है इसको सम्मिलित किया गया है। यूनिट थर्ड में नवलोक प्रशासन, जिसको हम NPA कहते हैं, लोक चयन उपागम, जिसको हम PCT या PCA कहते हैं, और नवलोक प्रबंधी, जिसको हम NPM कहते हैं, ये तीन सम्मिलित किया गया है। इकाई चार में यानी यूनिट फोर में लोक प्रशासन और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ लोक प्रशासन के किस प्रकार के संबंध है, एक सामाजिक विज्ञान के रूप में लोक प्रशासन तथा लोक प्रशासन के अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, इसमें राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विधि और मनोविज्ञान जैसे विषयों को स्थान दिया गया है। इकाई पाँच में लोक प्रशासन की विचारधाराएं या सिद्धांतों के बारे में है, जिसमें से तीन सिद्धांत, जिसमें एक वैज्ञानिक प्रबंधन है FW Taylor का दिया हुआ, संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत जिसमें केवल हेनरी फेयोल की विचारधारा को इंक्लूड किया गया है, और संगठन का मानव संबंध सिद्धांत जो कि एल्टन मेयो द्वारा दिया गया था। ये सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर फर्स्ट है। अब सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर सेकंड, सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर सेकंड का नाम है लोक प्रशासन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर होगा। इकाई फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट जो होगी उसमें संगठन की अवधारणा और संगठन के रूप, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन, मुख्य कार्यकारी के प्रकार और उसके कार्य, लाइन, स्टाफ और ऑक्जिलियरी एजेंसियां, लाइन और स्टाफ। यूनिट सेकंड जो होगी उसमें पद सोपान, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, नियंत्रण का विस्तार, समन्वय, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों को इंक्लूड किया गया है। यूनिट थर्ड है उसमें प्रत्यायोजन, प्राधिकार, उत्तरदायित्व और वेबर की आदर्श प्रकार की नौकरशाही को इंक्लूड किया गया है। यूनिट फोर में, इकाई चार में, लीडरशिप, नेतृत्व, कम्युनिकेशन, संचार और निर्णय निर्माण में साइमन का मॉडल और मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत अभिप्रेरणा में और हर्ज़बर्ग का द्विघटक सिद्धांत है, इनको इंक्लूड किया गया है। और यूनिट फिफ्थ में, पांचवी इकाई में, सिविल सर्विसेज, सिविल सेवा दृष्टिकोण और मूल्य, नैतिकता, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और गैर पक्षपात, लोक सेवा के प्रति समर्पण, सामान्य ज्ञ और विशेषज्ञों के बीच संबंध, इसको इंक्लूड किया गया है। अब जो दो पेपर होंगे सेमेस्टर फर्स्ट में, जो दो पेपर होंगे फर्स्ट एंड सेकंड, वो 60-60 मार्क्स के होंगे और साथ में होगा 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट, जो कि कॉलेज या टीचर्स के द्वारा मार्क्स दिए जाएंगे आपको। उसके लिए भी यूनिवर्सिटी किस प्रकार की गाइडलाइन फाइनलाइज करती है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन एक सेमेस्टर में यहाँ पर एक सब्जेक्ट के लिए 30 मार्क्स दिए जाएंगे। और वो 30 मार्क्स हो सकते हैं आपके, आपको कोई होमवर्क या असाइनमेंट दिया जा सकता है, आपके टेस्ट आयोजित किए जा सकते हैं, आपके लिए कोई क्विज आयोजित की जा सकती है, आपके लिए कोई सेमिनार में प्रेजेंटेशन किया जा सकता है। ये इसमें सबको आपको भाग लेना होगा। अगर आप असाइनमेंट में भाग नहीं लेते हैं, टेस्ट में भाग नहीं लेते हैं, इनमें किसी में भाग नहीं लेते हैं, तो आपके मार्क्स उस अनुपात में कम हो जाएंगे। या फिर आपके लिए ऑनलाइन क्विज आयोजित की जा सकती है, ऑनलाइन असाइनमेंट दिए जा सकते हैं आपको, ऑनलाइन टेस्ट भी आयोजित किए जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी पे कि किस प्रकार की वो व्यवस्था करते हैं। ये कॉलेज के लिए है कि कॉलेज अगर ऑनलाइन टेस्ट भी लेता है तो ये अलाउ है उनको, सेमिनार पार्टिसिपेशन। इस प्रकार का कोई इंटरनल असेसमेंट का कोई तरीका जिसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाएगा और अटेंडेंस रखी जाएगी स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पर ये बात सभी स्टूडेंट्स को ध्यान से पढ़नी चाहिए कि स्टूडेंट्स की अटेंडेंस भी इसमें मायने रखती है। सेमेस्टर सेकंड, जो सेमेस्टर सेकंड होगा, ये सेमेस्टर फर्स्ट की परीक्षाएं समाप्त होने के बाद, उनका रिजल्ट आने के बाद फिर ये लागू किया जाएगा, यानी आप फिर सेमेस्टर सेकंड की स्टडी करेंगे। तो इसकी जो शुरुआत होगी ये फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद होगी। तो अब तक की जो जानकारी मिली है उसमें यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि डिस्क्रिप्टिव पैटर्न लागू किया जाएगा सेमेस्टर सेकंड में। फर्स्ट सेमेस्टर में OMR बेस्ड MCQs यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन सेकंड सेम में डिस्क्रिप्टिव पैटर्न से परीक्षा ली जाएगी और यूनिवर्सिटी का डिसीजन होगा वही अंतिम होगा। इसमें सभी स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें कि यूनिवर्सिटी जिस प्रकार का फाइनलाइज करती है उसके प्रति अपडेट रहें। यूनिवर्सिटी किसी सेमेस्टर में किस प्रकार का पैटर्न अपनाती है ये पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी पर ही निर्भर करता है, इसलिए स्टूडेंट्स अपने आप को अपडेट रखें। यूनिवर्सिटी का डिसीजन है वो फाइनल होगा। इसमें जो ओल्ड सेमेस्टर हैं, यानी पहला सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, पांचवा सेमेस्टर, ये ओल्ड सेमेस्टर कहलाते हैं, और दूसरा, चौथा और छठा सेमेस्टर इवन सेमेस्टर कहलाते हैं। तो यूनिवर्सिटी इस बात पर विचार कर रही है कि पहले, तीसरे और पांचवें में OMR बेस्ड रखा जाए तथा दूसरे, चौथे, छठे में डिस्क्रिप्टिव रखा जाए, और हो सकता है यूनिवर्सिटी इसमें कोई और डिसीजन ले, ये पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी पर निर्भर करता है। तो सेमेस्टर सेकंड में आपके लोक प्रशासन के दो पेपर होंगे। पहले पेपर का नाम है भारत में लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, और दूसरे पेपर का नाम है लोक कार्मिक प्रशासन।
तो ये सेकेंड सेमेस्टर के दो पेपर हैं, और सेमेस्टर जो सेकेंड होगा उसमें सेमेस्टर वाइज स्कीम इस प्रकार रहेगी। सेक्शन ए जो होगा आपका पेपर, उस पेपर में सेक्शन तीन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए 10 अंकों का होगा, सेक्शन बी 20 अंकों का होगा और सेक्शन सी 30 अंकों का होगा। तो दो पेपर होंगे, प्रत्येक पेपर आपका 60 अंकों का होगा। सेक्शन ए 10 अंक का, सेक्शन बी 20 अंक का और सेक्शन सी 30 अंक का। सेक्शन ए में 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न एक का अंक का होगा, तो टोटल हो गए आपके 10 मार्क्स। सेक्शन बी जो होगा उसमें 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा आपका 4 मार्क्स का होगा, टोटल हो गए 20 मार्क्स। और जो सेक्शन सी होगा उसमें 5 प्रश्न होंगे और उसमें से 3 आपको करने हैं, और प्रत्येक प्रश्न होगा वो 10 मार्क्स का होगा, तो 3 × 10 = 30। तो 30, 20 and 10 ये हो गए आपके 60 मार्क्स। तो एक पेपर आपका हो गया 60 अंकों का। आपको पास होने के लिए मिनिमम 36% मार्क्स आपको लेकर आने हैं इन थियरी एंड इन इंटरनल असेसमेंट, यानी आपको पेपर में अलग पास होना है और इंटरनल असेसमेंट में अलग पास होना है, आंतरिक मूल्यांकन जो कॉलेज की तरफ से होगा। सेमेस्टर सेकंड में जो पेपर फर्स्ट होगा उसकी यूनिट फर्स्ट में आपके भारत सरकार के अधिनियमों के विशेष संदर्भ में भारतीय प्रशासन की क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है वो सम्मिलित किया गया है। 1909, 1919 और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताएं ये भी यूनिट फर्स्ट में इंक्लूड की गई है। यूनिट सेकंड में परिवेशीय ढांचा, जिसमें संविधान की प्रस्तावना, संसदीय लोकतंत्र, संघवाद, नियोजन और समाजवाद को इंक्लूड किया गया है। यूनिट थर्ड में यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी संघ कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को इंक्लूड किया गया है, तथा केंद्रीय सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय, ये तीन ऐसे संगठन हैं, इनका ऑर्गेनाइजेशन और इनकी वर्किंग, केंद्रीय सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, इनका संगठन और कार्य। फिर यूनिट चार में वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, वेरी इम्पोर्टेंट, ये नया जोड़ा गया है इसमें। तो वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का संगठन और इनकी कार्यप्रणाली, इनके बारे में यूनिट चार में इंक्लूड किया गया है। यूनिट पाँच में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें बजट को बनाया कैसे जाता है, बजट की स्वीकृति कैसे होती है और बजट को लागू कैसे किया जाता है, और बजट के प्रकार, जिसमें परफॉर्मेंस बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग और लिंग आधारित बजटिंग को इंक्लूड किया गया है, ये आपका यूनिट फाइव है। सेमेस्टर सेकेंड का जो पेपर सेकेंड होगा उसमें यूनिट एक में कार्मिक प्रशासन को रखा गया है, जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज का क्लासिफिकेशन, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग, वर्गीकरण, भर्ती और प्रशिक्षण। यूनिट सेकंड जो है उसमें नागरिकों की जो ग्रीवांसेज होती है उनका रिड्रेसल किस प्रकार किया जाता है, शिकायतें कैसे दूर की जाती है, उसमें लोकपाल, लोकायुक्त है, RTI है, सूचना का अधिकार अधिनियम है, और शिकायत निवारण का ई तंत्र या ई प्रणाली, ई सिस्टम ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल, कि ऑनलाइन कैसे शिकायत है उसको दूर किया जा सकता है नागरिकों की शिकायतों को। यूनिट थर्ड में भारत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुए हैं, प्रशासनिक सुधार हुए हैं, और दो प्रशासनिक सुधार आयोग अब तक गठित किए गए हैं, ARC फर्स्ट और ARC सेकेंड। तो ARC फर्स्ट और ARC सेकंड को इसमें इंक्लूड किया गया है, और ARC सेकंड की चौथी और दसवीं रिपोर्ट के विशेष संदर्भ के बारे में इसमें दिया हुआ है। यूनिट फोर में संसदीय समितियां, जिसमें PAC, लोक लेखा समिति और EC, एस्टिमेट्स कमेटी, प्राकलन समिति, और भारत के CAG, CAG और प्रशासन पर तीनों प्रकार का नियंत्रण, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशल, विधायी नियंत्रण, कार्यकारी नियंत्रण और न्यायिक नियंत्रण प्रशासन पर, ये इंक्लूड किया गया यूनिट फोर में। यूनिट फाइव में ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही प्रकृति और अवधारणा, नौकरशाही के प्रकार और मोर्स्टीन मार्क्स के विशेष संदर्भ में,
और एक ई गवर्नेंस की अवधारणा को इंक्लूड किया गया आपके यूनिट फिफ्थ में। अब स्टूडेंट्स का रोल क्या रहना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स बड़े असमंजस में हैं कि 2 महीने के बाद उनकी सेमेस्टर फर्स्ट की परीक्षा होने वाली है और हो सकता है कि आपके दिसंबर एंड में या जनवरी के फर्स्ट सेकंड वीक में आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएं, तो आपके पास समय 2 महीने का है लगभग। तो आपका रोल क्या रहना चाहिए, आप स्कीम पर नहीं जाएं, आप परीक्षा की योजना पर नहीं जाएं, आप केवल फोकस करें अपने सिलेबस पर। सिलेबस वाइज जो भी आपके टॉपिक हैं उसको पढ़ते जाएं, आपके जो पेपर का पैटर्न होगा वो कुछ दिनों में सामने आ जाएगा, लेकिन आपको लगातार सिलेबस पर फोकस रखना है, आपको टॉपिक पर फोकस रखना है। टॉपिक पढ़ते जाइए और आपको सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। आप अपने कॉलेज में जहाँ भी रेगुलर स्टूडेंट के रूप में पढ़ते हैं वहाँ रेगुलरिटी रखें और टच में रहें, स्टे अपडेटेड। अपने किसी भी परिवर्तन को यूनिवर्सिटी के किसी भी गाइडलाइन के अनुसार अगर आपको तैयारी करनी है तो उसके हिसाब से आपको अपडेटेड रहना होगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जब भी कोई बड़ा अपडेट इसमें देखने को मिलता है या कोई बदलाव होता है, जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ उसके बाद अगर कोई बदलाव होता है तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने की कोशिश करूँगा। अगर आपको इस बारे में कोई भी सवाल हो जो आपके समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट में सवाल लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब जल्दी से जल्दी दे सकूँ और यथासंभव सही दे सकूँ। धन्यवाद।